कलीसे चला था बेटा अब आवाज आ रही है तो मुझे जरा बताओ बेटा, अब आ रही है आवाज? एक बार बेटा ना चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। चलो बेटा फाइनली अब आवाज आ गई है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी थोड़ा समय लग गया बट कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब बेटा आओ जरा स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को। चलो बेटा, बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आज का काम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा, ठीक है। चलिए चलो बेटा, तो बेटा ये मैं आपको 3 हिस्सों में करवाऊंगा। पहला हम करेंगे बेटा अभी इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा हम करेंगे बेटा इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, और बेटा तीसरा हम करेंगे इसमें बजट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक बेटा, क्या करेंगे? बजट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। बेटा बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। फटाफट से बेटा चीजें समझाऊंगा, फटाफट से समझना और इसलिए आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना पोर्शंस बताऊंगा ये सारा कुछ एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फटाफट स्पीड से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, और इसको बेटा समझ भी लेंगे। आओ कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, जरा समझते हैं बेटा। हमारे CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत कम रखा गया है ना, बहुत कम। और इसको अपने को समझना है जैसे जितना हमारे लिए जरूरी है। आओ बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स में आपको 3-4 टर्म समझाता हूं, और ये सारी टर्म्स ना बेटा पूछी गई है। ठीक है, ये सारी टर्म्स बेटा पूछी गई है। सबसे पहला कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 2-4 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज, सर कॉस्ट क्या होता है? भाई अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं तो कॉस्ट तो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बेटा कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस फॉर विच बेनिफिट इज क्लेम्ड। बेटा कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जिससे जिसका बेनिफिट आप ले चुके हैं। मैं आपको समझाता हूँ, भाई आपने कोई सैलरी पे करी, क्या सैलरी पे करी तो बेटा जिसको पे करी क्या आप उससे अपना काम निकलवा चुके हो, क्या उससे आप काम करवा चुके हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट। ठीक है, तो इसको सिर्फ इस शब्दों में समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये, कॉस्ट का मतलब ये होता है वो खर्चे जिसका बेनिफिट ले सकते हो और ले लेते हो। ठीक है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग ने इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से इसको समझाया। मैं आपको कुछ ऐसे खर्चे बताता हूँ जिसको हम कॉस्ट नहीं बोल सकते, तो आपको जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो कॉस्ट बेटा क्या नहीं है, जैसे एग्जाम्पल मतलब कौन सी चीजें कॉस्ट हम नहीं कहेंगे बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में। जैसे कि बेटा एक होती है संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो कि पहले से खर्च हो चुकी है और बहुत पहले खर्च हुई थी, आज उसका रेलेवेंस खत्म हो गया। तो इसको नाम तो लिखा हुआ है कॉस्ट, बट लिटरली बोला जाए तो बेटा ये क्या है, ये कॉस्ट नहीं है, इसको कॉस्ट माना ही नहीं जाता। देखो मैंने अभी बोला सैलरी पे करी, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, बेटा बिजनेस के 10 खर्चे जो आपके दिमाग में है उन सब चीजों को कॉस्ट कहेंगे। पर अगर वो खर्चा, उस खर्चे से आप बेनिफिट नहीं ले पाए तो उसको कॉस्ट नहीं कहेंगे, वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी एन एक्सपेंस ओनली। वो सिर्फ क्या कहलाएगा, एक एक्सपेंस। ठीक है, समझते चलना बेटा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, अब एक बात समझो कि कॉस्ट अगर आप खर्च करते हो, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो बेटा मैंने सैलरी की जगह पे एग्जांपल ले लेता हूँ वेजेस का, वेजेस ठीक रहेगा। बेटा मैंने ना 100 यूनिट, मैंने एक लेबर को बोला कि भाई मेरे लिए ना 100 यूनिट बना देना, आराम से समझना बेटा। मैंने बोला एक लेबर को कि भाई 100 यूनिट बना देना। बेटा 100 यूनिट बनाने का उसको कमिटमेंट तो दे दिया मैंने। ठीक है, उसने कहा ठीक है सर, 1 यूनिट पे कितने पैसे दोगे मुझे? मैंने कहा भाई मैं आपको 10 रुपये दे दूंगा। बेटा मैं कितने दे दूंगा आपको? 10 रुपए दे दूंगा। बताओ बेटा कितने रुपए खर्च हो गए? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 100 यूनिट मिल जाती है 1000 रुपए खर्च करने में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म में वो कॉस्ट है, उसे ना आप खर्चा, एक्सपेंस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस जैसा शब्द जो है वो इसलिए यूज होता है कि अगर आप जिस खर्चे का बेनिफिट ना ले सके। मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, देखो बेटा दोबारा रिपीट करता हूँ, केस नंबर 2 बताता हूँ। मैंने ये 100 यूनिट बोला था लेबर को, बेटा 1000 रुपये खर्च करे थे। ठीक है, लेबर को मैंने 1000 रुपये तो दिए क्योंकि बेटा 100 रुपये 1 यूनिट के थे, और बेटा लेबर मेरे पास 100 यूनिट ले भी आया बना के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा वो 100 यूनिट ले भी आया मेरे पास बनाकर, पर बेटा वो जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी नॉर्म्स में नहीं मैच कर पाया, वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वालिटी खराब थी। ठीक है, तो या फिर अप टू द मार्क नहीं थी जैसा मैंने बोला। तो बेटा फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 रुपए से 100 यूनिट तो बना के ले आया, पर मान के चलो कि 100 यूनिट में से 80 यूनिट क्वालिटी वाइज ठीक थी, 20 नहीं थी। पता है आपको 80 यूनिट का जो खर्चा है वो कॉस्ट हो गया, 20 यूनिट अप टू द मार्क नहीं थी ना, वो एक्सपेंस हो गया। तो 1 मिनट, एमसीक्यू का पूछा जाता है कि सर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो होता है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली चीज आ जाओ, कॉस्टिंग। अगली चीज पे आओ बेटा, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में एक कॉस्ट अकाउंटेंट, बेटा जैसे अपन लोग हैं कंपनी सेक्रेटरीज, हम लोग लॉ का काम देखते हैं। बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है जिसको ये सिखाया जाता है कि भाई कॉस्टिंग कर, कॉस्टिंग करके तो कॉस्ट निकाल। ठीक है सर, कॉस्ट अकाउंटेंट इज जेन्युइनली क्वालिफाइड टू डू कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है सर? कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस। कॉस्टिंग बेटा एक प्रोसेस होता है जिससे आप एक कॉस्ट निकालते हो। आगे आता हूं बेटा, दो तीन चीजें और जो लिंक्ड हैं वो सारी समझाता हूं वन बाय वन, ठीक है। तो कॉस्टिंग का मतलब तो आप समझ चुके हैं बेटा, जो मैंने आपको बोला कॉस्टिंग का मतलब है प्रोसेस क्या करने का, कॉस्ट निकालने का, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक चीज और बताता हूँ। एक चीज और है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट। अगला बेटा एक और वर्ड आता है कॉस्ट ड्राइवर। बेटा कॉस्ट ड्राइवर, ये सब चीजें ना एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जाती है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, आपको बेसिक सी चीजें मैं बता दूं, आप एमसीक्यू का आराम से जवाब दे दोगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट बेटा समझते चलना। आओ बेटा आगे बताता हूँ कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, आराम से समझो। कॉस्ट ड्राइवर वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है कि भाई एक पर्टिकुलर खर्चा जो है उस खर्चे को कौन इन्फ्लुएंस करता है, एक पर्टिकुलर खर्चा उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, उसको कहते हैं बेटा हम कॉस्ट ड्राइवर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आ जाओ बेटा। देखो बेटा कॉस्ट ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ड्राइवर यहां पर बेटा हम लिखेंगे फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कॉस्ट। बेटा वो फैक्टर जो कि कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल सा एग्जांपल बेटा, बिजली का बिल। आप मुझे बताओ बिजली का बिल एक कॉस्ट है? हाँ जी सर। सर बिजली का बिल तो कॉस्ट है भाई, घर में आप क्या करते हैं, अपना बिजली का मीटर लगवा रखा है बेटा, जितनी बिजली यूज करते हो उतना ही तो बिल देते हो। तो एक मिनट एक बात समझना, मैंने बोला बेटा आपके घर में फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पूछा बेटा आपसे कि बताओ बेटा कि घर पे कितना बिल आता है, आपने कहा कि भैया 250 यूनिट आया। मैंने कहा बेटा कब आया, आपने कहा कि भैया ये अक्टूबर के महीने में आया, अक्टूबर 2022 के महीने में हमारे पास 250 यूनिट का बिजली का बिल आया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ो। तो इसमें क्या था कि मैं आपसे अगर कंपैरेटिव पूछूं, मैं कहूं बेटा पिछला कितना आया था अक्टूबर से पहले सितंबर का, आपने कहा भैया 220, आपने कहा 220 यूनिट। तो बेटा अब वो 220 से 250 हो गया, यानी कि आपने ज्यादा क्या करा है, बिजली कंज्यूम करी है, ठीक है। तो मुझे बताओ पिछली बार 220 का बिल आया था, 220 यूनिट का बिल आया था, आज 250 का आया, कितना ज्यादा आया आपको पता है बेटा, 30 यूनिट। ये 30 यूनिट आने का चांस, ये 30 यूनिट क्यों ज्यादा आया, क्योंकि आपने ज्यादा बिजली कंज्यूम करी। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है कि भाई जो आप कॉस्ट खर्च कर रहे हो उसको बढ़ाने में कौन था इन्फ्लुएंस। बेटा इन्फ्लुएंस वर्ड तो पता है ना कि कोई हमको इन्फ्लुएंस कर दे किसी चीज के लिए। मैं आपको इन्फ्लुएंस कर दूं पढ़ाई के लिए, मैं बेटा कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी बातें बताता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा देखो ऐसे करोगे, मैंने भी यही करा था, देखो सक्सेसफुल हो गए। तो इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, बिजली का बिल कौन बढ़वा रहा है, क्या प्रूफ है। आप कहोगे भैया बिजली का बिल जो आया वो पहले 220 यूनिट पे आया था, अब 250 यूनिट पे आया। बेटा यूनिट जो है वो क्या है, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब कि इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, कौन बढ़ा रहा है, वो यूनिट्स थे, ठीक है। यूनिट्स आर द सोल प्रूफ दैट यू कैन से दैट यस दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज बीन इंक्रीज्ड। यूनिट से ही तो पता लगा रहे हो, तो यूनिट्स क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर। कल को बेटा ये 300 यूनिट आ जाए, कल को ये 400 यूनिट आ जाए, आपको ये समझ में आ जाएगा ना ये बात कि हाँ भैया अब हमें बिजली के बिल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे ही बेटा, मैंने बिजली का बिल का एग्जांपल बहुत छोटा दिया बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे 1000 कॉस्ट ड्राइवर सोचती है, हजारों कॉस्ट ड्राइवर बनाती है, वो चिन्हित करती है, वो चिन्ह लगाती है इन जगहों पे भाई ये कॉस्ट ड्राइवर है। एग्जाम्पल दूं बेटा और, देखो जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स बेटा खाना खाते हैं, वर्कर्स बेटा खाना खाते हैं जब वो फैक्ट्री में होते हैं, ठीक है, 1-2 बजे के करीब बेटा, दोपहर में 1-2 बजे वो खाना खाने जाते हैं। मैनेजमेंट को पता है कि अगर आधे घंटे से ज़्यादा का उनको रिलैक्स दे दिया, कॉस्ट ड्राइवर बन जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ जाएगी। बेटा अगर वो आधे घंटे से ज़्यादा अपने डेस्क पे वापस नहीं आया, अगर वो खाना खाने गया, उसको आधे घंटे का टाइम मिला था, बेटा आधे घंटे के बाद अगर वो आया, वो 100% है कि वो एक घंटा खराब करके आएगा। देखो बेटा कॉस्ट ड्राइवर है, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर क्या यहाँ पे बन गया, नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे आपको अलॉट करे गए। अगर आप उस अलॉटेड घंटों से ज्यादा जाते हो तो बेटा वो क्या बन जाता है, एक इन्फ्लुएंशियल, कि वो टाइम पूरा खराब करके आएगा। कॉस्ट ड्राइवर क्या बन गया, आधे घंटे से ज्यादा। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। तो मैंने आपको अभी क्या क्या पढ़ाया बताओ। मैंने आपको पढ़ाया बेटा कॉस्ट क्या होती है, मैंने पढ़ाया आपको कॉस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। ये तीन चीजें बेटा हमने खत्म करी। बेटा एक दो चीज और बता दो, आओ एक दो चीजें और हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बेटा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेटा क्या है कि जो आपकी गुड्स हैं, जो आप बनाते हो, बेटा बताओ वो भी तो बनाओगे, उस पर भी तो खर्च होता है ना पैसा। बस जी बेटा, जो गुड्स और सर्विसेज आप बनाते हो उनको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से मेन पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा एक चीज और आपको समझाएं इसी में, के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। बेटा कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, अपने सीएस के मॉड्यूल 2 में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों ने बेटा फिजिकल क्लास ली है उन सब ने इसको प्रैक्टिकली भी करा हुआ है, पर फटाफट क्योंकि रिवाइज करवाना है तो इसको थियोरेटिकली रिवाइज करते हैं। बेटा तीन होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स बेटा आपसे ना ये इसके मीनिंग्स पूछे जाते हैं। सिंपल बोलूं तो कॉस्ट के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। बेटा एक और बात ध्यान रखना कि क्योंकि इसके ऊपर पूरा हमारा एक प्रोफेशन चल रहा है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो उन्होंने बेटा क्या बना रखे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो बेटा उन्होंने बना रखे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वही मैं आपको लिखवा देता हूं कि मटेरियल का, ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है बेटा, मटेरियल का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ये सब बेटा लिखने हैं, ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आगे बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेबर का क्या है। आओ बेटा लेबर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, लेबर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अगला बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरहेड्स का क्या है, ओवरहेड्स का। ठीक है, ये सब बेटा मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, और बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, अब बेटा फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, जो पैसा हम लोग एक गुड्स को बनाने में उसके मटेरियल में खर्च करते हैं, दैट इज मटेरियल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, अभी पीछे बेटा आपको करवाया था, फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ। बेटा EOQ निकालने को कौन बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। बेटा वो कहता है कि √2 AOC लगाओ, ये करवाऊंगा नहीं, पीछे करवा चुका हूँ। अगला बेटा लेबर कॉस्टिंग क्या बोलता है, लेबर कहता है कि जी एक पैसा आपका खर्च होता है मटेरियल लाने में, एक पैसा आपका खर्च होता है क्या क्या करने में, लेबर को क्या करने में, लेबर को बेटा बताने में कि जी लेबर जो है वो कैसे काम कर रहा है कि नहीं। बेटा लेबर जो है वो कैसे काम कर रहा है और उसको कितना पे आउट करना है। बेटा यहाँ पर 2-4 प्लान्स थे, उन प्लान्स के सिर्फ नाम याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला है हालसे प्लान। बेटा हालसे प्लान बोलता था 50% बोनस दो, हालसे प्लान बोलता था 50% बोनस दो। अगला रोवन बोलता था एक्चुअल बोनस दो। ठीक है बेटा, हाल से बोलता था 50% बोनस दे दो, जितना इफेक्टिव एम्प्लॉय है उसका 50% सिर्फ बोनस देंगे। रोवन बोलता था जितना एम्प्लॉय बढ़िया काम कर रहा है उसको उसके हक का पैसा दो, इसका मतलब है एक्चुअल एफिशिएंसी पे उसने काम करा, भाई जितना एफिशिएंट है उतना अच्छा। बेटा हाल से बोलता है जितना एफिशिएंट है उसका सिर्फ 50% का दे दो बोनस। ठीक, और भी बेटा थे लेकिन अब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक आधा लिख देता हूँ, मेरिट डिफरेंशियल पीस वेज। ठीक है, बस ये सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है और बेटा ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। आगे बेटा, आगे ओवरहेड्स पे आते हैं। बेटा जब आपका पैसा मटेरियल पे खर्च हो गया, जब आपका पैसा लेबर पे खर्च हो गया, इसके अलावा आपका और कहीं पर भी पैसा खर्च होता है उसको बेटा हम डाल देते हैं ओवरहेड्स में। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो मटेरियल होता है, आराम से समझना, यहाँ पर जो मटेरियल होता है या लेबर होता है, देखो आप जब किसी को पैसा दोगे, आपने कहा जी मैं मटेरियल लेकर आया, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए, है ना। बेटा मुझे पेन बनाना है, मैंने प्लास्टिक खरीदा, मैंने कहा जी प्लास्टिक दे दो क्योंकि वो मेरा रॉ मटेरियल है। बेटा अगर वो रॉ मटेरियल मैं लेकर आया तो मैंने पैसा दिया होगा, तो 99.99% जो मटेरियल होता है वो इजीली ट्रेसेबल होता है। बेटा वो इजीली क्या होता है, ट्रेसेबल, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट। बेटा अगला लेबर जो होता है, भाई मेरा लेबर है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, वो सारा काम जो मेरे लिए कर रहा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटा, उसको उसके हिसाब का पैसा दे दूंगा। बेटा उसको भी क्या बोलोगे, डायरेक्ट। क्यों बेटा, क्योंकि वो भी इजीली ट्रेसेबल है। बेटा मैं अपने ABC एम्प्लॉय को बुलाऊंगा, लेबर को बुलाऊंगा, मैं कहूंगा लो भैया दिहाड़ी, तो डायरेक्ट वर्ड यहां पर कब यूज होता है, आ जाओ बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट। ये सब छोटे छोटे MCQ बनते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इजीली एलोकेबल होती है, ट्रेसेबल बोल दो या एलोकेबल। इजीली एलोकेबल का मतलब कि भाई मैं एक एक्स इंसान से मटेरियल खरीद के लाया तो मुझे पता है जी मुझे उसको पैसा देना, इट इज इजीली एलोकेबल। ठीक है, मुझे पता है कि जी मेरे पास जो लेबर है ABCD, मुझे उसको पैसा देना है, इजीली एलोकेबल। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर बेटा कौन सी दो कॉस्ट आती है, मटेरियल एंड लेबर। कौन कौन सी बेटा, मटेरियल एंड लेबर। बेटा इसके अलावा ना बाकी सारी जो कॉस्ट होती है वो सारी की सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि ये इजीली एलोकेबल नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूं, बेटा मान के चलो आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 4 AC लगे हुए हैं। बेटा मान के चलो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 4 AC लगे हुए हैं, AC का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। मैं पूछूं बेटा बताओ कितना खर्चा आया, आप बोलोगे भैया बिजली का बिल आया 2 लाख रुपए। मैंने कहा बेटा ये 2 लाख रुपए कहाँ बांटोगे। देखो एक होता है बिल आना, सुनना बेटा, एक होता है बिल आना, बिल आया 2 लाख रुपए का, मैं कहता हूँ ये 2 लाख रुपए किसमें बांटोगे। हम बोलेंगे जी किसमें बांटेंगे, मतलब मैं कहूंगा भाई सिंपल है कि आप सामान बेच रहे हो, आप अपना गुड्स बेच रहे हो, ये भी तो खर्चा ही है। जैसे मैंने बताया बेटा मटेरियल लाए, तो मटेरियल लाए हो रॉ मटेरियल, सपोज 2 किलो का रॉ मटेरियल लाए हो, उससे 400 यूनिट बनाओगे। समझ में आ रहा है कि भाई 2 किलो 400 यूनिट में बढ़ जाएगा। मैंने कहा बेटा आपके पास जो लेबर है, वो लेबर पे जो मैं दिहाड़ी खर्च कर रहा हूँ, एक एक बंदा 2-2, 3-3 यूनिट बनाएगा, तो इसीलिए ये एलोकेबल है। लेकिन बेटा ये जो AC का बिल था या फिर और भी XYZ खर्चे होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये सारी कॉस्ट कौन सी होती है बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा एग्जांपल लिया था भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ये जो बिजली का बिल आया था, AC का बिल आया था। और बताऊं बेटा जो हमारा मेस का एरिया होता है, मेस मतलब खाने का एरिया जो होता है, खाने के एरिया में बेटा लेबर आती है, लेबर क्या करती है जी वहाँ पे खाना खाती है। अब ये मेस रखना पड़ रहा है, पर ये मेस जो है इसका खर्चा है अपना, ये जो आपने रखा, तो 100% आप ध्यान से समझो कि ये जो खर्चा हो रहा है ये ट्रेसेबल नहीं है, एलोकेबल नहीं है, ये एलोकेबल करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोल देता है ओवरहेड्स, इसको ओवरहेड्स बोल देता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एमसीक्यू पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इज सिनोनिम ऑफ ए बी सी डी, तो उसमें एक होगा ओवरहेड्स। और बेटा इसीलिए इसके ऊपर पूरा पूरा स्टैंडर्ड बना दिया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बेटा सबसे पहले आपको अब बनवाते हैं कॉस्ट शीट। क्या बनवाते हैं बेटा? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, आओ बेटा फटाफट से मेरे साथ साथ बनाना कॉस्ट शीट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट शीट बनाते बनाते आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। बेटा एमसीक्यू फॉर्म के लिए पढ़ रहे हो ना, तो छोटी छोटी चीजें सारी कवर अप हो जाएंगी। मैंने मैक्सिमम पीछे कवर कर दी है। आओ सबसे पहले बेटा बनाते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या बेटा? डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट शीट का पहला जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल। उसमें बेटा ऐड होता है डायरेक्ट लेबर। बेटा डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं? इजीली एलोकेबल, ये इजीली एलोकेबल है इसलिए लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। बेटा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को जोड़ दोगे बेटा वर्ड आता है प्राइम कॉस्ट। वर्ड आता है बेटा प्राइम कॉस्ट। तो बेटा प्राइम कॉस्ट दो चीजों का जोड़ होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। बेटा इसमें क्या जोड़ना पड़ता है? ऐसे समझना बेटा, दोनों चीजें आ गई आपके पास, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ठीक है, दोनों को जोड़ के पीसी प्राइम कॉस्ट बोल देते हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे फैक्ट्री के खर्चे करोगे। बेटा फैक्ट्री में कितने खर्चे होते हैं, कितने नहीं होते? मैंने अभी एसी का बताया, बेटा डक्टिंग पाइपिंग का हो सकता है, कोई मतलब छोटे छोटे स्टोर रूम्स बना रखे होते हैं, उसके अंदर मशीनरी होती है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, डेप्रीसिएशन है, दसों खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। तो सारे खर्चे नहीं, हम इनको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा बताओ मैं ओवरहेड्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये खर्चे ना इजीली एलोकेबल नहीं है, इनको आप जल्दी बांट नहीं सकते, बस यही एक प्रॉब्लम है बेटा। इनको हम एक नाम दे देते हैं ओवरहेड्स, इनको बांटने का तरीका है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वर्ड तो पता लग गया, एक नया टर्म तो पता लग गया कि भाई ठीक है, जिन खर्चों को बांटा एग्जैक्टली नहीं जा सकता उनको ओवरहेड्स कहते हैं। और उनको बांटने का तरीका, उनको बांटने का तरीका बेटा कहाँ दिया हुआ है? उनको बांटने का तरीका दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दो, बेटा वर्ड आता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। एक और नाम है बेटा, ठीक है, ये नाम में भी फंसाते हैं, या फिर आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल दो बेटा इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, याद भी करते चलना और लिखते चलना, ठीक है। अगला बेटा ऐड करो इसमें ऑफिस। ऑफिस ओवरहेड्स। बेटा ऑफिस मतलब फैक्ट्री के बाद बेटा माल बनके ऑफिस में जाता है, ऑफिस में बेटा कौन बैठे हैं? एम्प्लॉई, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बैठे हैं, बहुत खर्चे होते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड्स को भी ऐड करके जो फिगर आती है उसे बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट। उसको बोलते हैं बेटा ऑफिस कॉस्ट। उसके बाद बेटा जी इसमें हम ऐड करते हैं क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेटा इनको बेचना भी है और बेचने के भी खर्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। बेटा लास्ट में जो फिगर आती है उसे कहा जाता है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस बेटा यहां तक का टर्म आपको क्लियर होना चाहिए अपने सिलेबस में, सिर्फ इतना था, ठीक है। ये कॉस्ट शीट है। बेटा कुछ चीजें और बताता हूँ। बेटा ये सारे काम एक ही स्पेशल एक्सपर्ट करता है, इसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट। और जरा थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में भी जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। आओ बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट, बेटा कंपनीज एक्ट में पढ़ाया था। कॉस्ट अकाउंटेंट अ प्रोफेशनल, बेटा ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल ऑफ कॉस्टिंग। दुनिया में बेटा, दुनिया में इससे अच्छी कॉस्टिंग कोई नहीं कर सकता। इनसे अच्छी जो कॉस्ट निकालने की एबिलिटी है किसी के पास नहीं है, सीए के पास नहीं है, सीएस के पास नहीं है, ये इन्हीं के पास है। ठीक है, हर एक का अपना अपना राइट है, हर एक का अपना अपना एक्सपर्टीज है, इनकी एक्सपर्टीज कॉस्टिंग करना है। तो बेटा कंपनीज एक्ट ने भी इनको क्या बोला, कंपनीज एक्ट ने भी इनको बोला कि भाई आप लोग एक्सपर्ट। बेटा कंपनीज एक्ट ने इनको क्या बोला कि यू आर एक्सपर्ट। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। बेटा कंपनी सेक्रेटरीज को भी बोला, पर कंपनी सेक्रेटरीज की फील्ड तो अलग है कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड तो अलग है। ठीक, तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। ठीक, 1 मिनट देना बेटा मुझे। चलो बेटा, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको एक्सपर्ट बोला। अच्छा बेटा, तो सिंपल है कि बेटा यहाँ पर ना कंपनीज एक्ट ने दो बातें बोली। एक बोला कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बेटा कंपनीज एक्ट का सेक्शन कौन सा था, कंपनीज एक्ट का सेक्शन था बेटा वो 148। बेटा कंपनी लॉ का सेक्शन है 148। 148 ने दो बातें बोली कि कॉस्ट रिकॉर्ड बेटा मैंडेटरी है, और बेटा क्या मैंडेटरी है, कॉस्ट ऑडिट। बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी है और क्या मैंडेटरी है, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, दोनों चीजें मैंडेटरी हैं। ठीक है, और दोनों चीजों को स्पेसिफिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है। बेटा मैं यहाँ पर उन चीजों को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना है और कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर नहीं पता तो बेटा इसको मॉड्यूल से और जो पीछे मैंने पढ़ाया था उनसे पढ़ना। यहाँ पर मैं आपको 3 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बेटा मेरा काम यहाँ पे 3 फॉर्म बताना है। एक बेटा फॉर्म है CRA-1। ठीक है, ये बेटा पूछा गया है। अगला फॉर्म CRA-2। अगला है बेटा फॉर्म CRA-3। ठीक है, मैं काम करता हूं बेटा, इस चीज को नए पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ बेटा आपके लिए। आ जाओ, CRA-1, CRA-2, CRA-3, CRA-1, CRA-2, CRA-3, बेटा एक और है CRA-4। और सिंपल बताऊं तो ये सारी चीजें बेटा आपके एग्जाम्स में आ चुकी है, बेटा सब चीजें आ चुकी है। ठीक है, मैं तो बस आपको ये रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में सब चीजें बैठ जाए। और बेटा ये आती रहती है, बड़ी फ्रीक्वेंट है बेटा। CRA-1 बेटा कंपनी लॉ ने इन फॉर्म्स को नोटिफाई करा। ठीक है, और कहा कि भैया ये जो सारे फॉर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में फाइल होते हैं, बताओ, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट के रिस्पेक्ट में बेटा क्या होते हैं, ये फाइल होते हैं। ठीक है, तो आओ बेटा CRA-1 की बात करते हैं। CRA-1 कब फाइल होता है? ठीक है, CRA-1 बेटा CRA-1 फाइल होता है, आपको ध्यान रखना है, फॉर मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अभी समझाता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। बेटा मुझे एक बात समझाओ, ठीक है? 1 मिनट लगाते हैं, इसको आराम से समझते हैं, ठीक है? कोई भागा दौड़ी नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें आपको पता है। ये तीनों चीज़ें कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये तीनों चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। भाई ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बनवाई बेटा जिसका नाम था कॉस्ट शीट। अभी देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सबको मैंने जुड़वा के लिखवाया। ये सारी चीज़ें कॉस्ट रिकॉर्ड्स होती है। क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स है? बिल्कुल नहीं। तो क्या एक कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वो चीज़ें बना के बेचती है, तो क्या उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या दोनों बनाने हैं? आंसर है हाँ। तो अगर उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं तो उसमें कॉस्ट शीट बनानी होगी, बिल्कुल ठीक है। कॉस्टिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। बेटा उसी के लिए क्या बना दिया? फॉर्म CRA-1, बिल्कुल सिंपल है। तो ठीक है, तो यानी कि ये चीज ध्यान रखना कि अपने दिमाग में 2 चीजों को अलग कर देना, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, आगे बेटा अगला बेटा CRA-2। CRA-2 बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म जो है ये फाइल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे CRA-2 क्या है? इंफॉर्मेशन। बेटा किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसकी बेटा? फॉर अपॉइंटमेंट। क्या अपॉइंट कर रहे हैं बेटा? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप किस में बताओगे? फॉर्म CRA-2 में, ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया बेटा। कॉस्ट ऑडिटर कौन बनेगा? एक क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे बेटा। वो कंपनी में जाएंगे, कंपनी का ऑडिट करेंगे। कौन सा ऑडिट करेंगे? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के लिए रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट का फॉर्म है ये रहा CRA-3। ये क्या है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बेटा ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कहाँ इशू करते हैं? CRA-3 में, ठीक। लास्ट बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको बेटा, किसने दी है? कॉस्ट अकाउंटेंट ने दी है बेटा। यही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को हमें फाइल करना पड़ेगा CRA-4 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू बी फाइल्ड। ये किसको फाइल करनी है? टू बी फाइल्ड टू, टू बी फाइल्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा CRA-4 किसको फाइल करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी, ठीक। बस बेटा जी ये सारा चीज थी। अब मैं आता हूं, ये मैंने आपको सारी कॉस्ट अकाउंटिंग मात्र बेटा 30 से 35 मिनट में रिकॉर्ड आपको रिवाइज करा दी, और आपके लिए जितना रेलिवेंट है उतनी ही चीज बेटा मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, इसको लिखवा दिया है। आओ बेटा फटाफट से, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक तरीका है क्या करने का? कॉस्ट निकालने का, ठीक है। ये ही क्यों पढ़ाया जा रहा है बेटा? इसके ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्यों है? इसका भी बड़ा सिंपल है रीजन है, क्योंकि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है बेटा वो इसी से ही होती है, ठीक है। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपसे पूछे तो क्या है ये बेटा? एक टेक्निक होती है कॉस्ट को निकालने की। तो आओ बेटा इसका फॉर्मेट है एक, वो फॉर्मेट आपको लिखवा देते हैं। सेल्स, बेटा सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से बेटा क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो आता है प्रॉफिट। बेटा ये एक बेसिक फॉर्मेट है कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का। बेटा सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आप करते हो फिक्स कॉस्ट, तो आता है प्रॉफिट। तो ये आपको क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है। ठीक, इसी बेसिस पे बेटा अभी मैं आपको बहुत चीजें और करवाता हूं। ठीक, आओ एक बेटा आपको यहाँ पर दो चार कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। उसको बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम बेटा बीईपी भी बोल देते हैं। बीईपी, इसको पूरा बोलो तो बीईपी सेल। बेटा ये वो सेल होती है जहां पर आप नो प्रॉफिट और क्या करते हो, नो लॉस के बेसिस पे काम करते हो। ठीक है बेटा, नो प्रॉफिट और नो लॉस के बेसिस पे आप क्या करते हो, काम करते हो। यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, बेटा क्या कोई ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट पे काम नहीं करेगी या किसी को लॉस ना हुआ हो? बेटा ऑब्वियसली नहीं है। पर ये आपको क्यों निकलवाया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए निकलवाया जा रहा है कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपको कितना सामान बेचना होगा, जहां पे आपको आपका कॉस्ट तो मिल जाए। एक व्यापारी यही तो सोचता है कि भाई अगर मैं 100 का सामान बेचूं, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए ही कॉस्ट थी, तो 100 रुपए ही कॉस्ट है, 100 का ही सामान बेचा, उसको एटलीस्ट दिमाग में तो आ गया कि हाँ चलो 100 मिल गए, अब जो ऊपर मिलेगा सारा प्रॉफिट है या सारा मेरा क्या है, मार्जिन है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आओ बेटा बीईपी का मैं आपको जरा फॉर्मूला लिखवा दूं। ठीक है, ब्रेक इवन का एक फॉर्मूला होता है, फिर बेटा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आओ बेटा इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट को बेटा कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बीईपी सेल। अब ध्यान रखना बेटा, बीईपी अगर आपको रुपीस में निकालना है तो ये बेटा, अगर बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट्स में निकालना है तो बेटा अलग हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या निकालना है बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तब आपका क्या आ जाएगा, आपका बीईपी ब्रेक इवन जो पॉइंट आएगा वो किसमें आएगा, आपका यूनिट्स में। आओ बेटा अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सेल्स निकाल दो, बेटा क्या फर्क है बीईपी में और सेल्स में? बेटा सेल्स में क्या होता है, सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ठीक है ना, क्या इंक्लूड होता है बेटा, प्रॉफिट। तो ध्यान से समझो, मैं एक मिनट में बेटा इसको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। देखो यहाँ पर ना इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। आप कहोगे कि सर भैया ये तो बीईपी का ही फॉर्मूला है, टेंशन की बात नहीं है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि सेल्स और बीईपी में फर्क ही प्रॉफिट या लॉस का होता है। तो आओ बेटा फिक्स कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट। तो बेटा ये अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स का फॉर्मूला। अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स का फॉर्मूला। आओ बेटा एक क्वेश्चन उठाता हूँ एग्जाम का, क्योंकि बेटा पूरी तैयारी करके ही हम बैठे हैं और ये सारी की सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही है बेटा, ये इसी ही बेसिस पे क्या करी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। ठीक है, कि ये जो एग्जाम में आए हैं बेटा वही चीजें आपको करवा दो। आओ क्वेश्चन नंबर 1, इफ सेल्स, बेटा आप ही लोग निकालना, ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा आओ, क्योंकि मैक्सिमम चीजें बता चुका हूँ। इफ सेल्स इज ₹30 पर यूनिट, बेटा जो सेल्स है वो कितनी दे रखी है, 30 रुपए पर यूनिट, and variable cost is 20% of sales। बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20% है सेल्स की। ठीक है, कैलकुलेट बीईपी यूनिट्स में, बेटा ब्रैकेट में दे दिया आपको फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दे दी बेटा, 50,000। आओ बेटा निकालो, बेटा आप सारे निकालो भाई, निकालो फटाफट से बेटा निकालो, झटपट से निकालो इसको, फटाफट से बेटा मुझे निकाल के इसको दो। मैं आपको जरा हिंट दे दूं, यहाँ पर क्या निकलेगा, BEP किस में निकलेगा, यूनिट्स में। और बेटा ये यूनिट्स में कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है बताओ, 50,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ। बेटा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता था, बिल्कुल आता था। आओ बेटा 30 माइनस बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है आप चेक करो। बेटा 30 रुपए का 20%, क्योंकि 20 रुपए उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो 30 रुपए का 20% तो 3×2 = 6 रुपए। तो बेटा 50,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, ऑटोमेटिकली बेटा आपका आंसर आएगा, वो आएगा 50,000 / 24, तो बेटा आएगा 2083, 2083 यूनिट्स। बेटा ये क्या आ गया, ये आपका BEP आ गया, ठीक है, गुड बेटा, ठीक है। तो फटाफट से बेटा ये आपने क्या कर लिया, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा। आओ जरा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा थोड़ा ना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने फोन में खोला हुआ है, आपसे पूछ लेता हूं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड, ये थोड़ा सा अलग है, ये मार्जिनल से अलग है। अब क्योंकि मुझे ये दिख गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म, बताओ बेटा, आप ही बताओ फटाफट से, बेटा बताओ कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में फाइल करी जाती है। जल्दी बताओ बेटा, गुड बेटा, कुछ बच्चों का बेटा जवाब आया है और बिल्कुल ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी जाती है CRA 4 में बेटा, CRA 4 में, 3 नहीं 3 नहीं, वो तो उसी का फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ही 3 है, लेकिन उसको फाइल करना, उसको भेजना बेटा 3 नहीं है आंसर। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को भेजना, भेजोगे कैसे, भेजने को बोलते हैं फाइल करना, भाई भेजने को बोलते हैं, तो बेटा वो 4 में फाइल होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा बच्चे, CRA 3 जो है बेटा वो फॉर्मेट है, वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसमें फाइल नहीं होता। मतलब एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट अगर रिपोर्ट बनाएगा तो थोड़ी ना कुछ भी लिख देगा। जैसे एक बात बताओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को याद है, MR 3, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का MR 3 है, तो बेटा वो रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसी में साइन करके देंगे अपन लोग, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल किस में होगी, फाइल का मतलब है ROC को, सरकार को कैसे भेजोगे, CRA 3 में थोड़ी ना भेजोगे, CRA 4 में भेजोगे बेटा, ध्यान रखो, यही मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने ये पूछ लिया, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अगला, इफ कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बेटा देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ऐसे ही बेटा मगअप करते हैं। आओ, कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, 25% है वेरिएबल कॉस्ट का। अगर कंट्रीब्यूशन 25% है वेरिएबल कॉस्ट का, देन कैलकुलेट सेल्स बेटा सेल्स निकालनी है, ध्यान रखना। कैलकुलेट सेल्स इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 65 लाख, फिक्स कॉस्ट 10 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट, बेटा कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो, आओ 2 लाख। बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, फटाफट से सॉल्व करो, आओ मेरे साथ सॉल्व करो। पहले 1 मिनट आपको देता हूं, फिर मैं करवाता हूं। फटाफट से बेटा, फटाफट से, जल्दी से बेटा। फॉर्मूला वही लगेगा, आ जाओ। सेल्स निकालनी है बेटा, उसने सेल्स बोला, निकालने के लिए सेल्स का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। बेटा यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, यहां पर कंट्रीब्यूशन टोटल दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेल्स जो निकालेंगे वो रुपीज में निकालेंगे। बेटा बीईपी भी 2 तरीके से निकलता था, एक यूनिट्स में और एक अमाउंट में। सेल्स भी 2 तरीके से निकल रही है, ठीक है। आ जाओ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 10 लाख, प्लस प्रॉफिट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 2 लाख, कंट्रीब्यूशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, डिपेंडेंट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट है 65 लाख, 65 लाख का 25% निकाल दो, 65 लाख, 65 लाख का 25/100, तो ये आएगा 16,25,000। बेटा नीचे आएगा 16,25,000 × 100। बेटा × 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा। 12 लाख, 16,25,000, ठीक, × 100, ठीक है। तो बेटा ये अपने आप में बेटा हमारा आंसर आ गया 73.8 और 73.8%, ठीक है। अब बेटा मेरी एक बात और सुनना, ठीक है, आप बच्चों को बेटा ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यहां पर ये मतलब रुपीज तो बेटा ऑब्वियसली ये है, बट यहाँ पर ये परसेंटाइल भी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ध्यान से समझो बेटा, सारी चीजें ना अमाउंट में थी, ठीक। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवाने से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, कैलकुलेट एक्चुअल सेल्स। आ जाओ बेटा, पहला पॉइंट जो निकालना है इसमें, एक्चुअल सेल्स में, इसमें आपको दे रखी है एक्चुअल सेल्स, इसमें बेटा आपको सेल्स ही दे रखी है। आप एक चीज समझो, यहां पर एक्चुअल सेल्स निकालना है और आपको दे भी क्या रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, सेल्स। देखो 50 रुपीज पर यूनिट। देखो बात को समझना कि दोनों बातों में फर्क क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट बेटा दे रखी है 30 रुपए पर यूनिट। तीसरा, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 80,000। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 80,000। फोर्थ, डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है 20,000। सब कुछ दे रखा है बेटा, ध्यान समझना, दे सब कुछ रखा है, ठीक है। आ जाओ, अब अपन लोग निकालेंगे बेटा सेल्स। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर उन्होंने बोला है एक्चुअल सेल्स, लेकिन ध्यान से समझना यहाँ पर हर एक चीज पर यूनिट में दे रखी है। तो आपको पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बताऊं तो वहां पर सब कुछ अमाउंट में था, यहाँ पे सब कुछ यूनिट्स में है। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पे सब कुछ यूनिट्स में है। तो आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान से समझो, अगर मैंने इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करा तो अब मुझे ना इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है। वहां क्यों करा था, क्योंकि मुझे परसेंटेज बनानी थी, उस अमाउंट को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में वो चीज परसेंटेज में दे रखी है, जैसे मुझे पता है बेटा सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, सब परसेंटेज में था, आंसर भी आप लोगों ने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज दे नहीं रखी है ऐसी। ठीक, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इंटू 100 नहीं होगा, और जब भी पर यूनिट हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा आंसर अपना किस में निकलेगा, यूनिट्स में। आओ बेटा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 80,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा सेल्स में से अगर आप वीसी माइनस करते हो, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, तो कंट्रीब्यूशन ही तो आता था। आओ बेटा फटाफट से क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 रुपए पर यूनिट। ठीक है बेटा, पर यूनिट दे रखा था, फटाफट से निकाल लेते हैं, एक मिनट में निकल जाना है ये। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20। बेटा आंसर बताओ, सारे बच्चे बेटा आंसर बताओ। ठीक है, आंसर बेटा आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताओ बेटा फटाफट। गुड, बेटा बच्चों का आंसर आ गया है 5,000 यूनिट्स। कितना बेटा, 5,000 यूनिट्स। आगे बढ़ो बेटा, एक दो चीजें और लिखवाऊं जरा आपको, बेटा एक दो चीजें और लिखवाऊं आपको, फटाफट से बेटा लिख लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा इसका भी फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। बेटा एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल अगर आप माइनस करते हो तो बेटा जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको मैंने एक्चुअल सेल निकालना सिखाया ना अभी। आओ, एक्चुअल सेल कैसे निकालते हैं, लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या कंट्रीब्यूशन अगर यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर रुपीस में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन। बेटा बीईपी सेल कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों को माइनस कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। ठीक, अगला पीवी रेशियो, पीवी रेशियो लिखो बेटा इसको भी। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100 लिखो बेटा फटाफट से। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैंने लगभग बेटा आपसे कनेक्टेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए। एक दो क्वेश्चन और हैं, एग्जाम के ही हैं, करके खत्म करते हैं, कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। आ जाओ, आओ बेटा फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट आपके और लूंगा, 2-4-5 मिनट, और फिर ये पूरा रिवीजन ना अपना बहुत बढ़िया से खत्म हो जाएगा। चलो। कैलकुलेट पीवी रेशियो बेटा क्या निकालना है, पीवी रेशियो। पहला आपको दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट दे रखा है, देखो प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000। बेटा सेकंड आपको दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, बेटा सेकंड आपको क्या दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो है आपका 30,000। थर्ड पॉइंट, ठीक है समझना बेटा, आपको दे रखा है थर्ड पॉइंट में वेरिएबल कॉस्ट 20,000। निकालो बेटा पीवी रेशियो। बेटा आपको 1 मिनट देता हूं, निकालो बेटा पीवी रेशियो। चलो बेटा बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, मैं भी निकाल देता हूँ। बेटा मैंने अभी पढ़ाया कि पीवी रेशियो जो होती है, पीवी रेशियो होती है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, यही है बेटा। ठीक है बेटा, पूरे क्वेश्चन में ना ही कंट्रीब्यूशन था ना ही सेल्स था। 1 मिनट लगता है इसको निकालने में, 1 मिनट सिर्फ। आ जाओ, आपको पढ़ाया हुआ है कि सेल्स में से आप माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करो फिक्स कॉस्ट तो आता है प्रॉफिट। आपको पता है बेटा ये जो फॉर्मेट मैंने बनवाया था यही मार्जिनल कॉस्टिंग है, यही फॉर्मेट से मार्जिनल कॉस्टिंग चलती है। ये जितने फॉर्मूले सुना रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले वैसे ही बने हैं। प्रॉफिट कितना था, 50,000। बेटा प्रॉफिट कितना था, 50,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ, फिक्स कॉस्ट है 30,000। भाई उल्टा चलना पड़ेगा, देखो नीचे लिखा ना प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो, अपने आप कंट्रीब्यूशन बनेगा। फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन को, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 80,000। कैसे, 50,000 प्लस 30,000 80,000, अब माइनस कर दो, देखो 50 ही बन रहा है। ठीक है बेटा, अगला वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 20,000। बताओ बेटा सेल्स कितनी होगी, 1,00,000। बेटा 80 में 20 ऐड कर दो, अपने आप 1,00,000। बताओ पूरी कॉस्ट शीट नहीं बनाती, बताओ पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक नहीं बनाती, अपने आप बेटा अब जवाब आ गया। ठीक है, और अब क्या करोगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, इट कम्स टू 80%। बेटा मैक्सिमम बच्चों का 80% आ चुका है और बहुत बढ़िया बात है बेटा, आप इसको सीख गए हैं, बहुत बढ़िया, गुड। लास्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है वंस मोर, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट एमओएस। बेटा एमओएस का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस पहला, आपको बेटा दे रखा है क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट, आपको दे रखी है 50,000। थर्ड बेटा पीवी रेशियो दे रखी है 20%। अच्छा सॉरी बेटा पीवी नहीं थी, सॉरी पीवी नहीं दे रखी है बेटा, आपको दे रखा है कंट्रीब्यूशन। बेटा कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 3 रुपए पर यूनिट। फोर्थ सेकंड था बेटा ये, थर्ड आपको दे रखा है एक्चुअल सेल्स। बेटा एक्चुअल सेल्स आपको दे रखी है, आ जाओ, एक्चुअल सेल्स है बेटा 8 लाख। फोर्थ लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है 30 रुपीज पर यूनिट। निकालो बेटा एमओएस, आ जाओ निकालते हैं। अभी बेटा मैंने पढ़ाया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल सेल्स कितनी दे रखी थी, 8 लाख, माइनस बीईपी सेल क्वेश्चन में नहीं है। 1 मिनट लगेगा, निकाल लेंगे। कितना टाइम लग समय लगना, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही बात है बेटा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में, लेकिन सुनना बेटा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कर तो दोगे, सुन लेना बेटा, आप इसको डिवाइड तो कर लोगे, लेकिन वो यूनिट्स में निकलेगा, क्योंकि नीचे क्या लिखा है पर यूनिट, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, सेलिंग प्राइस से। क्यों बेटा उसको क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आपको आंसर चाहिए यूनिट, आपको आंसर चाहिए अमाउंट में। देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ, 50,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 रुपए पर यूनिट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 30 रुपए से बेटा, क्योंकि इसका आंसर अब जो आएगा वो अमाउंट में आएगा। अभी देखो आप डिवाइड करो, देखो समझ में आएगा आपको। ये तो 8 लाख ही रहेगा बेटा, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज, तो ये आ रहा है 1666 इंटू 30, तो बेटा ये आ रहा है 5 लाख। ये आ रहा है बेटा 5 लाख। आप चेक कर सकते हो बेटा डिवाइड करके, बेटा 8 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 3 लाख। बेटा ये सारे क्वेश्चंस बेटा अब मैं कह सकता हूं कि क्या हो चुके हैं, खत्म। आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा और बढ़िया लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बेटा, ठीक है, और आपने शायद इसको समझा भी अच्छे से होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिट्स में निकाला पहले और फिर उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मुझे अमाउंट में चाहिए था बेटा सेल, मुझे अमाउंट में चाहिए था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक बेटा ये है 3 लाख। अब बेटा जी ध्यान से समझो, जो आपको टारगेट दिए गए हैं, अभी आपको कुछ काम करने हैं, सबको पता है बेटा, बैठ के बेटा वो सारे काम करो, ठीक है, वो सारे काम करो बैठ के, और ये सारा मैंने रिवीजन करवा दिया। कल एक नए टॉपिक के साथ बेटा फिर से मिलेंगे, ठीक, तो 100% लगे रहो, हिम्मत बनाए रखो, फोकस पूरा रखो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, सारी दुनिया को से कट जाओ, ठीक, सिर्फ मैं और आप और मैं, बस इतना रिलेशनशिप अगर बनेगा तो बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस फेलियर भगवान के हाथ में होता है, अपने को अपना पोटेंशियल बनाना है, पोटेंशियल इंक्रीज करना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, तब तक आप लोग आराम से पढ़ो, अभी खाना वाना खाओ, ठीक है, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, टेक केयर।